हेलो स्टूडेंट, सब्जेक्ट जीके एंड कन्वर्सेशन। तो आपको जीके की बुक में पेज नंबर 3636 ओपन करना है। वहाँ पे आप क्या दिया है बच्चों, माय बर्थडे पार्टी। आप लोग किसी की बर्थडे पार्टी में भी गए होंगे और आपने अपनी बर्थडे पार्टी भी देखी होगी। तो बर्थडे पार्टी में क्या क्या होता है बच्चों, बलून, फेस्टून, स्वीट्स, केक, कार्ड, फ्लावर, स्नैक्स, वो सब होता है। तो आज हम उसके बारे में डिटेल में सीखेंगे कि बर्थडे पार्टी में क्या क्या होता है। तो देखो, आपको फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, बलून्स। क्या होता है बच्चों बर्थडे पार्टी में, बलून्स। आपको ऊपर पिक्चर भी दिया है, ये देखो, ये क्या है बच्चों, बलून्स। बर्थडे पार्टी में बलून्स तो लगाए गए होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, फेस्टून। देखो यहाँ पे ये जो लगाया गया है उसे फेस्टून यानी कि तोरण भी कहते हैं। नेक्स्ट थ्री नंबर पे हमें दिया है कैंडल्स, जो केक के ऊपर लगाया जाता है। देखो यहाँ पे केक के ऊपर बहुत सारी कैंडल्स लगाई गई है, इसे क्या कहते हैं बच्चों, कैंडल्स। नेक्स्ट क्या है बच्चों, फोर नंबर पे क्या लिखा है यहाँ पे, केक। आपको यहाँ पे केक का पिक्चर भी दिया है, ये है केक और उसके ऊपर कैंडल्स लगाए गए हैं। फिर फाइव नंबर पे क्या है बच्चों, कोल्ड ड्रिंक्स। देखो आपको यहाँ पे फाइव नंबर लिखा है, तो ऊपर आपको पिक्चर में फाइव नंबर कहाँ पे दिख रहा है, देखो यह रहा, यहाँ पे फाइव नंबर है और ये सब क्या है बच्चों, कोल्ड ड्रिंक्स। नेक्स्ट सिक्स नंबर क्या है बच्चों, कैप। देखो ये जो ये बर्थडे गर्ल है, जिसका बर्थडे है और उसके बर्थडे पार्टी में ये सारे लोग यहाँ पे आए हैं, तो ये जो गर्ल है उसने भी कैप पहनी है और उसके सारे जो ये फ्रेंड्स हैं उन सब ने भी कैप पहनी है, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, कैप। फिर सेवन नंबर पे क्या है बच्चों, गिफ्ट्स। बर्थडे पार्टी होती है तो उसमें गिफ्ट्स तो होते ही है, जिसका बर्थडे हो उसके लिए सब लोग गिफ्ट लेकर आते हैं। देखो आपको यहाँ पे सेवन नंबर पे बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। एट नंबर पे क्या है बच्चों, आइसक्रीम। आपको यहाँ पे आइसक्रीम कहाँ पे दिखाई दे रही है बच्चों, देखो ये जो बॉय है उसके हाथ में ये दो दो आइसक्रीम है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, आइसक्रीम। नेक्स्ट नाइन नंबर पे क्या है, स्नैक्स। स्नैक्स यानी कि नाश्ता। देखो यहाँ पे जो टेबल है वहाँ पे ये नाश्ता लगाया गया है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, स्नैक्स कहते हैं। फिर आता है टेन नंबर। टेन नंबर पे क्या है बच्चों, कार्ड्स। बहुत सारे लोग हैं वो बर्थडे पार्टी में जिसका बर्थडे हो उसके लिए कार्ड्स भी लाते हैं अच्छी तरह से बनाकर, तो देखो इसे क्या कहते हैं बच्चों, कार्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट है इलेवन नंबर। इलेवन नंबर पे क्या दिया है बच्चों, फ्लावर्स। आपको यहाँ पे फ्लावर्स कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, देखो ये रहे, ये जो अंकल या जो भी हो वो क्या लेकर आए हैं, बुके, यानी कि ये फ्लावर का बुके लाए हैं, तो उसे कहते हैं फ्लावर्स। फिर वन टू ट्वेल्व नंबर पे क्या है बच्चों, स्वीट्स। स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ, तो देखो यहाँ पे स्वीट्स भी रखी हुई है ट्वेल्व नंबर पे। फिर नेक्स्ट क्या है थर्टीन नंबर पे, मास्क। आप सबने देखा होगा कि बर्थडे पार्टी में मास्क भी होता है, देखो ये जो बॉय है उसने एक कार्टून का मास्क पहना हुआ है, इसी तरह से इसे क्या कहते हैं बच्चों, मास्क। वो भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आते हैं मास्क, वो तो आप सबने ही देखा होगा। नेक्स्ट वन फोर फोर्टीन नंबर पे क्या है बच्चों, म्यूज़िक प्लेयर। बर्थडे पार्टी में म्यूज़िक तो होता है, उसके बिना तो पार्टी अधूरी होती है, तो देखो यहाँ पे है वन फोर फोर्टीन नंबर पे म्यूज़िक प्लेयर। फिर लास्ट में फिफ्टीन नंबर पे क्या दिया है बच्चों हमें, कैमरा, जिससे फ़ोटो क्लिक करते हैं उसे कैमरा कहते हैं। देखो इसके पास ये क्या है बच्चों, कैमरा, जिससे हम फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो बच्चों बर्थडे पार्टी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, स्नैक्स, कैमरा, फ्लावर्स, कैंडल, केक, बलून्स, कैप, म्यूज़िक प्लेयर, ये बच्चे ने मास्क पहना है, मास्क, आइसक्रीम, स्वीट्स, फिर क्या होता है ये, कार्ड्स, बहुत सारे गिफ्ट्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी जो है वो क्या है बच्चों, बर्थडे पार्टी में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब नीचे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं। फर्स्ट क्या है बच्चों, व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब आता है। माय बर्थडे इज़ ऑन, यहाँ पे जो ब्लैंक दी गई है उसमें आपको आपकी बर्थ डेट लिखनी है। अगर आपको कोई पूछे व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब आता है, तो आपको आंसर में क्या बोलना है, माय बर्थडे इज़ ऑन। अगर आपका बर्थडे मार्च में आता हो तो आपको क्या बोलना है, सेकेंड मार्च, जो भी डेट हो वो आपको बोलना होगा, तो आपको यहाँ पे वो आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर टू, Whom do you invite for your birthday party? आपने अपने birthday party में किस किस को invite किया है, तो आपको answer में क्या बोलना है, I invite my friends and relatives for my birthday party. मैंने अपनी birthday party में किस किस को invite किया है बच्चों, मेरे सारे friends को और relatives यानी कि रिश्तेदारों को invite किया है, तो इस तरह से आपको आंसर बोलना है, आई इन्वाइट माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव फॉर माई बर्थडे पार्टी। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डू यू गेट ऑन योर बर्थडे, आपको आपके बर्थडे पर क्या मिला है बच्चों,
तो आपको आंसर में क्या आप आंसर में क्या लिखे अथवा तो बोलेंगे आई गेट लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे। आप सबको तो पता ही है बर्थडे हो तो जिसको भी हमने इन्वाइट किया वो सब हमारे लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर आते हैं। तो आपको भी आपके बर्थडे में क्या मिला है बच्चों, लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स यानी कि बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वॉट डू यू सिंग वेन द केक इज कट। जब आपने केक कट की तो कौन सा गाना बज रहा था बच्चों, वी सिंग हैप्पी बर्थडे व्हेन द केक इज कट। जब केक कट हो रहा था तब हम सबने कौन सा गाना गाया बच्चों, हैप्पी बर्थडे, वो तो आप सबको पता है। जब हम केक कट करते हैं तो हम बर्थडे वाला सॉन्ग ही बजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू डू एट योर बर्थडे पार्टी। आपने अपनी बर्थडे पार्टी में क्या क्या किया, आई प्ले गेम्स, हमने गेम्स खेली, ईट केक्स एंड स्नैक्स, हमने केक भी खाई और स्नैक्स यानी कि नाश्ता भी खाया, एंड हैव अ लॉट्स ऑफ फन, और हमने बहुत सारी मस्ती भी की। तो बच्चों आज हमने किसके बारे में सीखा, माई बर्थडे पार्टी यानी कि मेरी बर्थडे पार्टी में, बर्थडे पार्टी में क्या क्या होता है उसके बारे में हमने सीखा। फिर हम क्वेश्चन आंसर को किस तरह से लर्न करेंगे वो भी सीखा कि आपको आपके बर्थडे कौन से डेट आती है वो आपको यहाँ पे लिखना है, और पार्टी में किस किस को इन्वाइट किया वो भी हमने सीखा। तो बच्चों इसी तरह से आपको ये टॉपिक लर्न करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।